हमने एल्केन कवर कर लिया, एल्कीन कवर कर लिया, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्काइन। बस आज इस टॉपिक को कवर करके उठा लेना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और स्टार्ट करना तुम्हारी प्रैक्टिस। एल्काइन, एल्काइन क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं, हम लोगों को पता है। अल्काइन आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेंट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और n तो हम लोग जानते हैं, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। स्मॉलर या जो सबसे छोटा मेंबर है अल्काइन का वो है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम लोग बोलते हैं एथाइन या एसिटिलीन, क्योंकि किसी भी अल्काइन को एसिटिलीन बोला जा सकता है। इथाइन इज द स्मॉलर मेंबर ऑफ अ फैमिली, अल्काइन फैमिली। अब अगर हम लोग अल्काइन के बारे में देखें तो अल्काइन में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि यहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहां पर ये क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आप लोगों को, जो आपके काम आने वाली है, एसिडिक नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ग्रुप की होगी जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, फिर sp से कम वाले की एसिडिक नेचर होगा sp2 वाले का, और सबसे कम एसिडिक नेचर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि अल्काइन जो होते हैं एसिडिक नेचर में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्काइन ज्यादा एसिडिक होते हैं, उससे कम एसिडिक होंगे एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के कार्बन होते हैं sp2, और सबसे कम एसिडिक अगर कोई होगा तो ये है एल्कीन। अब यहां पर हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ये एक बड़ा स्पेशल हिंट हो गया आप लोगों के लिए। चलो एक और हिंट देखते हैं साइड में। ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अल्काइन के पास है, इन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड। ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि यहां पर होता है 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जितने बढ़ते जाएंगे फ्री रोटेशन उतनी कम होगी। इसका मतलब फ्री रोटेशन सबसे कम शो करेगा अल्काइन, उससे ज्यादा शो करेगा अल्कीन, और सबसे ज्यादा फ्री रोटेशन शो करता है अल्कीन। तो फिलहाल आप लोगों के सामने ये इंफॉर्मेशन है, जल्दी से नोट करो, फिर हम आएंगे प्रिपरेशन पर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और अल्काइन एंड। तो जल्दी नोट कर लो आप लोग। हमारा काम सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रिपरेशन मेथड। तो अल्काइन के प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल तरीके से कवर करेंगे, बहुत सिंपल लगेगा। प्रिपरेशन मेथड में 1 by 1 हम लोग यहां पर रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं यहां एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन, जहां मैं ले रहा हूं डायहैलोजिनेटेड कंपाउंड। देखो, हैलोजिनेटेड कंपाउंड चाहे सिंगल हैलोजन हो या डबल हैलोजन हो, उससे अगर तुम्हें एल्कीन या अल्काइन बनाना है तो तुम्हें एक ही काम करना होगा, और वो काम ये है, तुम्हें उसका करना होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जब भी हम करते हैं तो हमें लेना होता है KOH। कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH, गलती से एक्वस मत लेना। जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हैलोजिनेटेड कंपाउंड में भी एक वैरायटी है, और वो वैरायटी क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलो ये कंप्लीट इसको समझा ही देता हूं। हैलोजिनेटेड कंपाउंड की वैरायटी ये है कि कई बार कंपाउंड ऐसा दिया जाता है जिसमें दोनों हैलोजन डिफरेंट कार्बन पे हो। इफ बोथ हैलोजन आर प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन, तो इसे बोला जाएगा विस डायहैलाइड। ऑन द अदर हैंड, अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे हो, लाइक RCH2 CH X2,
अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे हो तो इसे बोला जाएगा जैम डायहेलाइड। अब डायहेलाइड जैम हो या विस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अल्कोहलिक QOH ले लिया तो तुम वहां पर सीधे बना दोगे अल्काइन। कैसे बनाओगे? मैं बैलेंस करने के लिए 2 KOH ले रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड में बोथ हेलोजन कंबाइन विद पोटेशियम एंड दे विल गिव्स 2 यूनिट ऑफ KX। अब क्योंकि दोनों कार्बन ने 1-1 हेलोजन दिया तो दोनों कार्बन 1-1 हाइड्रोजन देंगे और यहां से 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां से लेंगे हम, सेकंड यहां से लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन होकर देगा 2 यूनिट ऑफ H2O। और फाइनली हमारे पास ऊपर से क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है RC, ये वाला H जा चुका है, हेलोजन भी जा चुका है, और यहां पर बच रहा है CH। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाना पसंद करता है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, कितने की कमी है? 3। इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपस में अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे और ये बन चुका है अल्काइन। अब सेकेंड वाले रिएक्शन में भी यही होना है। देखो क्या होना है, क्योंकि यहां पर ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 हेलोजन दे रहा है तो सेकेंड कार्बन अपने 2 हाइड्रोजन देगा। एट द एंड यही प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हो यही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग, नंबर 2। एक बड़ा इजी रिएक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि हमें टेट्रा हेलोजन कंपाउंड दे दिया जाता है और जब भी टेट्रा हेलोजन कंपाउंड दिया जाएगा बेस्ट है जिंक मेटल का यूज करके उसके साथ रिएक्शन करो, बिकॉज ऑल 4 हेलोजन कंबाइन विद 2 जिंक एंड दे विल फॉर्म 2 यूनिट ऑफ ZnX2। फाइनली क्या बच रहा है? यहां पर बच रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन अल्काइन। एक और बहुत स्पेशल मेथड है, ये वाला ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। कई बार हम लोगों को ट्राई हेलोजन कंपाउंड दिया जाता है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड या ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन। अगर मैं X की जगह यहां CL ले लेता हूं तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, और अगर X की जगह मैं I ले लेता हूं तो ये आयोडोफॉर्म कहलाएगा। क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करा जाता है और इतना ज्यादा हीट करते हैं कि सबसे पहले यहां पर ये ग्रुप बन जाएगा। क्या बन रहा है? 6 AgCl। और ये AgCl बनने के साथ एक गैस रिलीज होगी और वो गैस है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम लोग बोलते हैं एथाइन या एसिटिलीन। तो ये हमारे फर्स्ट 3 मेथड है प्रिपरेशन के। जगह कम है, आप पहले इन्हें नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 3 मेथड कंप्लीट होते हैं जल्दी से, रिमेनिंग 2 मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां पर रिएक्शन नंबर 4, कई बार ऐसा होता है कि कार्बन कंपाउंड को हम हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस। ऐसी सिचुएशन में ये कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर देता है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन कहलाता है बर्थेलॉट्स सिंथेसिस। वहीं पर इसी की तरह एक और स्पेशल मेथड है, 5th रिएक्शन, जो एक इंडस्ट्रियल मेथड है और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वोहलर्स रिएक्शन। वोहलर्स रिएक्शन, अब क्या रिएक्शन है? देखो यहां पर बेसिकली हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है। तो जब यहां रिएक्शन होगा तो ये पूरा एक ग्रुप निकल रहा है, 2 कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, दे विल कंबाइन एंड गिव CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, अल्काइन बन गया। इसके बाद क्या बचेगा? तो यहां बच जाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, वोहलर्स मेथड कहलाता है, बाय यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। अब क्योंकि स्पेस बचा है और आगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं यही हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। हिंट ये है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन
melting point and boiling point of alkyne is directly proportional to number of carbon in a chain. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग भी बढ़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हम लोग एल्केन और अल्कीन को कवर कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है अल्काइन, और अल्काइन से कम मेल्टिंग और बॉइलिंग शो करता है अल्कीन, और सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग शो करता है एल्केन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। मतलब टू कार्बन वाला अल्काइन, टू कार्बन वाला एल्कीन और टू कार्बन वाला एल्केन है, तो अल्काइन का मेल्टिंग और बॉइलिंग ज्यादा होगा। और यही ऑर्डर एसिडिक नेचर का भी है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, मेल्टिंग बॉइलिंग के अलावा एसिडिक नेचर का भी यही ऑर्डर है। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और चीजें हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए और कम टाइम में, कम स्पेस में होना चाहिए। तो जो नोट्स आप लोग बनाओ वो बड़े प्रॉपर बनाना, ऐसे नोट्स मत बनाना जिन्हें खुद ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी भी एंड हो गई, अब स्पीड में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ में करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा, मेथड याद करना, रिएक्शंस की जरूरत नहीं होगी याद करने की। फिर भी आपको लग रहा है आप रिएक्शन याद करो, तो इट मीन्स आप याद करना चाह रहे हो, आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत सिंपल है। देखो कैसे करना है, मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूं। तो देखो करना यह है, हम एक एल्काइन ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मैंने एक अल्काइन लिया हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान से वन बाय वन हम लोग रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करता हूं किसी भी हैलोजन से। तो हैलोजन हमेशा जब भी हम कुछ ऐड करेंगे वो अनसैचुरेटेड कार्बन पे ऐड होगा। फर्स्ट कार्बन पे ये हमारे पास एल्काइन था, फर्स्ट हैलोजन यहां ऐड होगा, सेकंड यहां ऐड होगा, तो दोनों का ट्रिपल हो जाएगा, डबल। ये अभी भी अनसैचुरेटेड है, तो हैलोजन इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, फिर आएगा, फिर जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा यहां पर? अगेन X2, दोनों कार्बन पे 1-1 हैलोजन आकर ऐड होगा। पहले कुछ ऐसा था, अब दोनों पे 1-1 हैलोजन और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2 से। सीधे हाइड्रोजन गैस ऐड कर दोगे तो कोई कैटलिस्ट ले लेना, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, दोनों कार्बन पे 1-1 हाइड्रोजन ऐड होगा, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या यहां हाइड्रोजन इसका पीछा छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, अभी भी अनसैचुरेटेड है, एल्कीन है। फिर से हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि अकेला पैलेडियम, अकेला निकल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता है, बस चलने देता है, जितनी आगे जा रहा है उतना जाने दो। फिर ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन एल्केन। अब मैं यहां पर ले लेता हूं हाइड्रोजन, लेकिन इस बार मैं पैलेडियम अकेला नहीं ले रहा हूं, मैं पैलेडियम के साथ ले रहा हूं CaCO3। आपको याद होगा हमने एल्कीन में पढ़ा था, CaCO3 या BSO4 अगर लेते हैं तो इसे बोला जाता है लेंडलार्ड्स कैटलिस्ट। कंट्रोल करने के लिए CaCO3 ले लिया हम लोगों ने। आप कंट्रोल करने के लिए CaCO3 इसलिए लिया कि बस एल्कीन बन जाए, रिएक्शन वहीं रुक जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट लेते हैं तो हमें मिलता है सिस एल्कीन। डिटेल में देखना है तो एल्कीन का टॉपिक देख लो, रिएक्शन समझ में आ जाएगा। और अगर यहां पर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, तो आप लोगों को पता है ये रिएक्शन कहलाता है ब्रिज रिडक्शन। और ब्रिज रिडक्शन में हमें मिलता है बस एक ही चीज मिलती है, और वो है ट्रांस एल्कीन। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सीधे हाइड्रोजन को खुला छोड़ दोगे तो रिएक्शन करता जाएगा, पैलेडियम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर करना है कंट्रोल, बीच में रिएक्शन रोकना है, तो पैलेडियम के साथ लेना पड़ेगा कैटलिटिक पॉइजन, चाहे वो बेरियम सल्फेट हो, CaCO3 हो। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिएक्शन करते हैं एल्कीन का, यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 का मिक्सचर, जहां भी ये दोनों एक साथ आ जाएं समझ लेना वहां पर वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर। तो वाटर के पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव, देख रहे हो आप लोग, ये नेगेटिव चार्ज वाला OH आएगा सेकंड कार्बन पे, अकॉर्डिंग टू मार्को निकोव्स नेगेटिवली चार्ज ग्रुप उस कार्बन पे जाता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो या बिल्कुल भी ना हो। तो ये वाला OH इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, क्या बन जाएगा यहां पर? RCOH। और हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH2, दोनों के भी डबल बॉन्ड। लेकिन ये कंपाउंड कहीं से भी स्टेबल नहीं लग रहा, तो चलो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन का शिफ्ट होना कहलाता है टॉटोमेरिज्म। यहां टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और जब टॉटोमेरिज्म होगा तो सेकंड वाले कार्बन पे बचेगा सिर्फ ऑक्सीजन, और आगे वाले कार्बन पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन के साथ CH3, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज कीटोन। टॉटोमेराइजेशन होता है भैया, बिल्कुल होता है टॉटोमेराइजेशन, तभी तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ। तो याद रखना, जहां भी ये दोनों एक साथ आ जाएंगे वहां पर एग्जैक्टली हाइड्रेशन प्रोसेस करना है। चलिए यहां एक और, अब जब इतने सारे रिएक्शन कर रहे हैं तो एक और कर लेते हैं हम लोग। मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं HX, जहां H पे प्लस और X पे माइनस है, ऑब्वियस ही बात है। क्या यहां मार्को निकोव रूल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। X जाकर जुड़ेगा इस कार्बन से, ये जो बहुत अच्छा सा कार्बन दिख रहा है ना जिसपे स्टार लगा रहा हूं, यहां X आकर जुड़ेगा क्योंकि इस पे हाइड्रोजन नहीं है। साइड वाले कार्बन पे H चला जाएगा तो बनेगा RCX डबल बॉन्ड CH2। कंट्रोल करने वाला कोई रिएजेंट नहीं है तो फिर से HX लेना पड़ेगा। फर्दर HX जब रिएक्ट करेगा तो अगेन X नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पर क्योंकि इस पे हाइड्रोजन कम है, तो क्या बन जाएगा? RCX2 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये इसके रिएक्शंस हैं, हालांकि आगे भी कुछ रिएक्शन है लेकिन आप ध्यान दो, लॉजिक लगाना है बस, और कुछ बड़ा काम नहीं करना है। ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव नीट और जेई मेंस के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले इसे नोट करते हैं फिर आगे के प्रोसेस देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में अब हम अल्काइन के कुछ थोड़े और स्पेशल रिएक्शंस देख लेते हैं, ये जरूर आप लोग कर लेना। देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। बेसिकली क्या होता है, अगर किसी अल्काइन को कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब के साथ हीट कर दोगे ना तो वो साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा या साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। कैसे? आप लोग देखो, यहां पर हमारे पास अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे ले रहे हैं आयरन ट्यूब के साथ, वो भी 500 डिग्री टेम्परेचर पे। थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पर अगर 3 यूनिट लेता हूं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? सबसे पहले मैं 3 यूनिट ले रहा हूं तो कार्बन कितने हैं? 2, 3 = 6, तो मुझे 6 कार्बन वाली चेन बनानी है, रिंग कंपाउंड बनाना है 6 कार्बन वाला। और क्योंकि यहां ट्रिपल बॉन्ड था तो जो कंपाउंड में बनाऊंगा उस कंपाउंड में मुझे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड रखना है, फर्स्ट डबल बॉन्ड फिर गैप करना है, सेकंड डबल बॉन्ड फिर गैप करना है, फिर थर्ड डबल बॉन्ड। और इस तरह हम देख सकते हैं ये जो कंपाउंड हम लोगों को मिला है इसे बेंजीन बोलते हैं। चलिए एक और ट्विस्ट, अगर मान लो यहां पर कंपाउंड देते CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी 3 यूनिट देते और सेम कंडीशन है आयरन ट्यूब में 500 डिग्री पर हीट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना सिर्फ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को देखो, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, कितने हैं ये? 2, 3 = 6, 2, 3 = 6, तो मुझे आगे 6 कार्बन वाली रिंग बना देनी है, उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जोड़ देना है। और अब मैं देख रहा हूं कि यहां तो CH3 भी है, कितने CH3 हैं? 3, तो उनको भी ऑल्टरनेट जोड़ देना है। ये आ गया फर्स्ट CH3, सेकंड CH3 एंड थर्ड CH3, और हम लोग इसे मेसिटाइलीन बोलते हैं।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर यहां फोर का, अगर मान लो यहां पर यही अल्काइन हमें फोर यूनिट में ले लिए होते हमने, तो कितने कार्बन है, टू फोर जा एट, सेम सिचुएशन, एट कार्बन है, तो मैं यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता विथ एट कार्बन और इनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जिसे एट एन्यूलिन भी बोलते हैं। तो ये मेथड है, बहुत इजी है, आप देख लो, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाता है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक और मेथड हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस के नाम से पढ़ा था, याद है आप लोगों को। तो ये हम लोग ओजोनोलाइसिस देख रहे हैं, ये भी बहुत स्पेशल है। हम लोगों ने क्या सीखा था ओजोनोलाइसिस में, कि हमें कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, सपोज हमें कंपाउंड दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम लोग इसकी ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो पहले ओजोन से रिएक्शन होता है और उसके बाद होता है जिंक और H2O के साथ रिएक्शन। मैंने आपको यह सिखाया कि आप पहले ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन को देख लो, उनके सिर्फ टू बॉन्ड ब्रेक करो, कितने बॉन्ड, टू, चलो मैं इसके टू बॉन्ड ब्रेक करता हूं, तो मेरे पास बचेगा CH सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, सिर्फ टू बॉन्ड ब्रेक करना है, और टू बॉन्ड ब्रेक करके जिन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करें उन पे वन वन ऑक्सीजन लगा दो, ये बन गया ग्लायऑक्सिल, डायल्डिहाइड, ग्लायऑक्सिल कहलाता है, सिंपल है। अगर मान लो यहां कंपाउंड होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम लोग इसकी ओजोनोलाइसिस करा रहे होते, तो हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन देखा, सीधे इसके टू बॉन्ड ब्रेक करें, जब टू बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C सिंगल बॉन्ड CH, इन दोनों कार्बन के टू बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों पे वन वन ऑक्सीजन जोड़ दो, तो फर्स्ट ऑक्सीजन में इस कार्बन को दे रहा हूं, सेकेंड इसे दे रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर एल्डिहाइड कीटोन का मिक्स कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें टू फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां लॉजिक लगता है वहां क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लो। यहां पर हमारा अल्काइन टॉपिक कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट जो बताए वो समझ में आए होंगे, तो ध्यान रहे प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, टॉपिक्स पढ़े आप लोगों ने, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे चले जाओ, या आपके पास कोई एमसीक्यू वाली बुक है तो उस पर चले जाओ। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट करो यार, बिल्कुल कमेंट करो, चैनल को लाइक करो अगर पसंद आता है, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो शेयर करो। अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।